अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर गुड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सपेरिमेंटेशन, दैट इज़ द फिफ्थ स्टेप टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक्चुअली स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सपेरिमेंटेशन, वी नो वेरी वेल दैट इट इज़ द स्टेप दैट विल टेस्ट द हाइपोथेसिस। लाइक वी कैन से दैट ये वो स्टेप है जो ये बताएगा कि जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है या नहीं। इस स्टेप को एक्सप्लेन करने से पहले वी विल रिकॉल द फर्स्ट फोर स्टेप्स डैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। द फर्स्ट स्टेप इज़ द रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, द सेकेंड वन इज़ द ऑब्जर्वेशन, थर्ड वन इज़ द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फोर्थ वन इज़ द डिडक्शंस, एंड नाउ द फिफ्थ वन डैट इज़ द एक्सपेरिमेंटेशन। वी कॉल दिस इज़ द मोस्ट बेसिक एंड द इम्पोर्टेंट स्टेप। Basically, students, when we talk about the experimentation, the purpose of experimentation is that to see that the hypotheses are true or not. And basically, the deductions that are drawn from the hypotheses are subjected to rigorous testing. यहाँ पे आपको ये बात बताई गई है कि जब हम deductions की बात करते हैं जो कि draw की गई थी hypothesis से, उनकी रिग्रेस टेस्टिंग की जाती है। रिग्रेस टेस्टिंग का मतलब यह होता है स्टूडेंट्स कि उनको हम बहुत स्ट्रिक्टली एक्सपेरिमेंट उनका परफॉर्म किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि उनके लिए बहुत लीनियंट कंडीशन हो। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस में, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, जिसको हम ये कहते हैं कि हमने रिग्रेस टेस्टिंग की है। एक स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में एक स्ट्रिक्ट टेस्टिंग की, जिसको हम रिग्रेस टेस्टिंग का नाम देते हैं। और फिर बेसिकली क्या होता है कि इन एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो हमारा हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है या नहीं। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज़ डैट इफ़ द हाइपोथेसिस इज करेक्ट। जब हाइपोथेसिस आपका करेक्ट हो जाता है, देन व्हाट हैपन, हाइपोथेसिस के करेक्ट होने के बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, फर्दर प्रिडिक्शंस की जाती हैं। फर्दर प्रिडिक्शंस किस लिए की जाती हैं, टू मेक इट मोर वैलिड। जो हाइपोथेसिस हमारा करेक्ट हुआ है उससे रिलेटेड फर्दर प्रिडिक्शंस की जाएंगी, मतलब और ज़्यादा उसको प्रूव करने के लिए उसकी वैलिडिटी को आप ये कह सकते हैं कि उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए और ज़्यादा प्रिडिक्शंस की जाती हैं, जिससे क्या होता है, ये प्रिडिक्शंस उस हाइपोथेसिस को मोर वैलिड बनाती हैं। ये उस केस में हम करेंगे जब आपका हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाए। दिस इज द पॉसिबिलिटी व्हेन द हाइपोथेसिस आर ट्रू। एंड व्हाट हैपन इफ द हाइपोथेसिस आर नॉट ट्रू, अगर इस तरह की कंडीशन हो जिसमें जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाए, देन व्हाट हैपन इफ द हाइपोथेसिस आर इफ द हाइपोथेसिस आर नॉट ट्रू, अगर हाइपोथेसिस ट्रू ना हो, देन व्हाट हैपन, दे आर रिजेक्टेड। अगर आपका हाइपोथेसिस ट्रू नहीं है, देन क्या होता है, वो रिजेक्ट हो जाता है। देन वी विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम द रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम, बेसिकली देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। हम फिर ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट लेते हैं कि जो हमने हो सकता है कि पहले ऑब्जर्वेशन की थी उसमें कुछ मिसिंग था, जिसकी वजह से हमारा जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट नहीं हो पाया या फिर वो ट्रू नहीं था। सो फिर हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और फिर हम एक नया हाइपोथेसिस बनाते हैं, एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स द एक्सपेरिमेंटेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि बेसिकली जो एक्सपेरिमेंटेशन है उसका पर्पस यही है टू प्रूव द हाइपोथेसिस डैट इट इज करेक्ट और नॉट, और इट इज ट्रू और नॉट। सो जब हाइपोथेसिस ट्रू हो जाता है, देन फर्दर प्रिडिक्शंस की जाती हैं उसकी वैलिडिटी के लिए, एंड इफ इट इज नॉट प्रूव देन इट इज रिजेक्टेड। स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर गोइंग टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, द फर्स्ट थिंग दैट वी विल कीप इन माइंड दैट दीज ऑल एक्सपेरिमेंट आर वेरी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि इन एक्सपेरिमेंट को एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में परफॉर्म किया जाता है, जहाँ पे वेरिएबल्स को कॉन्स्टेंट रखा जाता है, कुछ वेरिएबल्स को या फिर वन वेरिएबल को चेंज किया जाता है। हाउ कैन वी परफॉर्म दीज एक्सपेरिमेंट्स, फॉर परफॉर्मिंग दीज एक्सपेरिमेंट्स वी विल मेक टू ग्रुप्स। जब भी हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए हम बेसिकली टू ग्रुप्स बनाते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द कंट्रोल ग्रुप एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। स्टूडेंट्स, जब हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की बात करते हैं, बेसिकली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पे साइंटिफिक टेस्ट आर रिसीव द ट्रीटमेंट। हम कोई भी टेस्ट करेंगे वहाँ पे हम अपना उस टेस्ट में हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट दिया जाएगा उसको। ट्रीटमेंट देने का मतलब ये है
कि वहाँ पे हम वेरिएबल को अप्लाई करेंगे। वेरिएबल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं या फिर वेरिएबल को कैसे टेस्ट करेंगे, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। और कंट्रोल ग्रुप बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे साइंटिफिक टेस्ट दैट डू नॉट रिसीव द ट्रीटमेंट, यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता कंट्रोल ग्रुप में। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जब हम एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप की बात करते हैं, इनको आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आर दोज ग्रुप दैट रिसीव द ट्रीटमेंट, और वो ट्रीटमेंट बेसिकली क्या होता है, ट्रीटमेंट हम वेरिएबल को कहते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो हम टेस्ट करना चाहते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कंट्रोल ग्रुप्स डोंट रिसीव एनी ट्रीटमेंट, उनको हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देते। और जो कंट्रोल ग्रुप होते हैं बेसिकली ये नॉर्मल कंडीशन में जैसे वर्क हो रहा होता है ये उसी तरह काम करता है, और इसको हम कंपेयर करते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ। और एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब हम एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप की बात करते हैं, इन दोनों ग्रुप्स में हम सब कंडीशंस को कांस्टेंट रखते हैं। वन फैक्टर और मोर देन वन फैक्टर विल बी चेंज एंड द अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट। स्टूडेंट इन दोनों ग्रुप्स को हम बेसिकली एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। द एग्जाम्पल दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक इज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, या आपको ये एग्जाम्पल दी गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए नेसेसरी है या नहीं। सो फॉर दिस पर्पज व्हाट वी विल डू, वी विल मेक टू ग्रुप्स, द फर्स्ट वन इज द कंट्रोल ग्रुप एंड द सेकेंड वन इज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में आप लोग क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे देखें आपने टू ग्रुप्स बना लिए, लेकिन स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग, ऑल द थिंग्स ऑफ द प्लांट आर द सेम एक्सेप्ट द वन थिंग। आप उस प्लांट की हर चीज़, उसकी हाइट, उसका साइज, ईच एंड एवरीथिंग उसकी सेम होगी। स्टूडेंट्स डिफरेंस कहाँ पे आएगा, एक फैक्टर में जो हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, द वेरिएबल दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे वेरिएबल है जिसको हम टेस्ट करेंगे किस तरह से, कि कंट्रोल ग्रुप तो वो ग्रुप है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीली मिल रही है, और दूसरा ग्रुप जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है ये हमारा वो ग्रुप होगा जिसमें हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। वी विल नॉट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू दिस ग्रुप, हम इस वाले प्लांट को जो हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखा है हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप है जहाँ पे हमने अपने वेरिएबल को टेस्ट करना है, और कंट्रोल ग्रुप हमारा वो ग्रुप है जो नॉर्मल कंडीशंस में, जो नॉर्मल कंडीशन में प्लांट ग्रो कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। सो एट द एंड क्या होगा कि हम लोगों को जो रिजल्ट मिलेगा दोनों ग्रुप्स का, आप सोच सकते हैं कि वो दोनों ग्रुप्स का जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो कैसा होगा, वो सेम होगा या डिफरेंट होगा। ऑब्वियसली इट वुड बी डिफरेंट, वो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड ही नहीं की, और जो कंट्रोल ग्रुप है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा बिकॉज वहाँ पे उस प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी। सो स्टूडेंट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल एंड द कंट्रोल ग्रुप, एंड दिस इज ऑल फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन। स्टूडेंट्स आपसे जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपसे क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, तो आप इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे, दिस इज़ द पर्पस ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन। और इसके अलावा यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, तो इसमें आप बेसिकली ये मेन डिफरेंस है दोनों में, और इसको आप एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स। बेसिकली स्टूडेंट्स इस स्टेप में वो सारे रिजल्ट जो हम कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंट ग्रुप से कलेक्ट किए हैं हमने, उनको हम उनकी एवरेज निकालते हैं, उनको हम कंपेयर करते हैं स्टैटिस्टिकली, उनका एनालिसिस करते हैं। ऑल दीज थिंग्स वी विल परफॉर्म इन द समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स। सो स्टूडेंट्स फॉर दिस पर्पज व्हाट वी विल डू, सेव द डाटा इन द क्वांटिटेटिव फॉर्म फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। आपको जो डाटा एक्सपेरिमेंट से मिलेगा वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में होगा, उसके बाद आप उस डाटा का कंपैरिजन करेंगे, आप उसकी एवरेज निकालेंगे, और जब आप ये दोनों चीज़ें कर लेंगे उसके बाद कंक्लूजन निकाला जाता है। वो किस तरह से निकाला जाता है, वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं, उनकी बेस पे वो कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं। फिर आपके पास क्या होता है कि आप उस रिजल्ट, उस सारे प्रोसेस को जो आपने फर्स्ट फाइव स्टेप्स में किया, आप उसको समराइज करते हैं और आप रिजल्ट्स की तरफ मूव करें।
जब आप रिजल्ट को समराइज कर लेते हैं देन व्हाट यू विल डू, यू विल रिपोर्ट द रिजल्ट, दैट इज द फाइनल स्टेप ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड। जो लास्ट स्टेप है बेसिकली वो है रिपोर्टिंग द रिजल्ट। जब हम वहाँ से रिजल्ट समराइज कर लेंगे, रिजल्ट को समराइज करने के बाद हमारे पास एक समरी आ जाती है उस रिजल्ट की जो हमने फर्स्ट फाइव स्टेप्स में प्रूफ करके निकाला है। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स इन द सेवंथ स्टेप व्हाट यू विल डू, जो आपने रिजल्ट निकाला है आप उसको अपनी सारी फाइंडिंग्स को पब्लिश करेंगे जर्नल्स में और बुक्स में। आप जर्नल्स में भी उनको पब्लिश कर सकते हैं, आप उनको बुक्स में भी, साइंटिफिक जो बुक्स होती हैं, साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं उनमें पब्लिश करेंगे। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आप मीटिंग्स होंगी, सेमिनार्स होंगे, आप उसमें अपने रिजल्ट्स को शेयर कर सकते हैं। और बेसिकली क्या होता है कि जो ये सारे मेथड्स हैं ये एक एसेंशियल पार्ट है रिपोर्टिंग द रिजल्ट। व्हाई इज इट सो, बिकॉज स्टूडेंट्स इसका पर्पस ये है कि जब आप अपने रिजल्ट को पब्लिश करते हैं तो उससे आपका रिजल्ट मोर वेरीफाई हो जाता है। मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि वो ज़्यादा, जब जितने ज़्यादा लोग उसको स्टडी करेंगे उतने आपको रिव्यूज़ मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग। अगर आपकी कहीं पे कोई कमी है या कहीं पे आपने कोई चीज़ मिस कर दिया आपको वो चीज़ें भी पता चलेंगी। आप ये कह सकते हैं कि कोई चीज़ अगर आपकी रह गई आपको वो भी पता चलेगी और आपकी जो रिसर्च है वो कितनी ज़्यादा ऑथेंटिक है आपको इससे वो पता चलता जाएगा। और इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट आने वाले लोग हैं या फिर फ्यूचर में लोग आपकी रिसर्च को यूज़ करते हुए और उस पर दूसरी रिसर्च कर सकते हैं, मतलब वो कि वो इस मेथड को यूज़ नहीं करें, हो सकता है वो दूसरे मेथड को यूज़ करते हुए कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। तो बेसिकली ये क्या करती है, जो आपका ये रिपोर्ट करना होता है रिजल्ट का, ये नॉलेज भी प्रोवाइड करता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। अब वो एक ऑथेंटिक वे में सब लोगों के पास चला जाता है। सो स्टूडेंट्स आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग द रिजल्ट। इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लें और यहाँ पे आप जस्ट ये बताएंगे कि जो पर्पस है इसका वो वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट है एंड यूज़ फॉर फ्यूचर रिसर्च के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रिजल्ट रिपोर्ट करने का ये पर्पस होता है। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल फॉर सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बाय द साइंटिफिक मेथड और बायोलॉजिकल मेथड, जिसके थ्रू हमने एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया।